नमस्कार कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है इस समय आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल पर कार्यक्रम जनवाणी जैसा कि आपको मालूम है जनवाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम अक्सर ऐसे विषयों को लेकर बात करते हैं ऐसे मुद्दों को लेकर बात करते हैं जिनका सीधा सरोकार रहता है हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ आज के अंक में भी हम ऐसा ही विषय लेकर हाजिर हुए हैं आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की ये हिमाचल प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसने न केवल ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाया है बल्कि उन्हें पूरी तरह से सशक्त भी बनाया है हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला प्रदेश है और ग्रामीण परिवेश में महिलाओं का अधिकतर समय खेत खलिहानों के साथ चूल्हे चौके के साथ ही बीतता है चूल्हे में सुलगती लकड़ियों से उठता तीखा धुआं उनकी आंखों की रोशनी को मंद करता है आंखों की और बीमारियों को लगाता है साथ में सांस संबंधी बीमारियों को लाता है ये उनके जीवन का एक हिस्सा था लेकिन इस योजना के क्रियान्वित होते ही अब उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है और ये योजना जो है वरदान साबित हुई है इससे ना केवल उनका जो रसोई घर है वही धुआं मुक्त हुआ बल्कि हिमाचल प्रदेश को देश का पहला प्रथम चूल्हा धुआं मुक्त राज्य बनने का गौरव भी मिला है आज इसी योजना पर हम बात करेंगे इसी योजना के आयामों के बारे में बात करेंगे कितना लक्ष्य निर्धारित किया था कितना लक्ष्य निर्धारित किया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है रविंदर सिंह ठाकुर जी जो संयुक्त निदेशक हैं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में इस कार्यक्रम में आपका हम अभिनंदन करते हैं जनवाणी कार्यक्रम जैसा कि आपको मालूम है नाम ही से लगता है कि जनवानी जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दों से संबंधित ये कार्यक्रम है तो आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना कि आखिर ये क्या योजना है ये क्यों अस्तित्व में आई किन उद्देश्यों को लेकर अस्तित्व में आई जी ठाकुर जी जैसा कि आपने पहले बताया शुरू में बताया कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना एक सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जी इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे जो गृहणियाँ हैं जो घर में रहकर पूरे घर को संभालती हैं जी। और इसको बड़ी खूबसूरती से आ, डिफाइन भी किया गया था गृहिणी पूरा गृह जिसका ऋणी है जी। उन लोगों के लाइफस्टाइल में कैसे सुधार लाया जाए विशेषकर जो आपके मैक्सिमम टाइम जैसा आपने बताया कि खाना बनाने में निकलता है या चूल्हे चौके में निकलता है जी। तो गृहिणियों का एक अभिन्न अंग जो है आपका रसोई घर रहता है इनिशियली लकड़ी से जब खाना बनता था तो उससे धुआं उठता था डेफिनेटली परेशानियां होती थी कुछ सांस संबंधी बीमारियां भी, भी होती थी सिर्फ गृहिणी का ही नहीं पूरे परिवार का स्वास्थ्य जो है इफेक्ट होता था इससे जी। तो उस चीज को कैसे कम किया जाए इस बारे जब सरकार ने प्रयास किए तो एक योजना लाई गई जिसका नाम गृहिणी सुविधा योजना रखा गया जी। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाना था जी। तो एक तो इसमें यह रहा कि हिमाचली परिवारों को दिया जाएगा क्योंकि इससे पहले जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चली थी केंद्र सरकार की योजना उसमें जो परिवार छूट गए थे उनको स्टेट में कैसे कवर किया जाए उसके लिए बेसिकली ये योजना लाई गई थी जी बिल्कुल कुल मिलाकर अगर हम आ, कहें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिस तरह से आपने जिक्र किया तो क्या हिमाचल प्रदेश में जो ये मुख्यमंत्री गृहिणी योजना जो चलाई गई है क्योंकि इसके माध्यम से भी गैस कनेक्शन जो है वो निःशुल्क दिए जा रहे हैं तो अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पूरक के रूप में इस योजना को लाया गया है जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही आपने कहा क्योंकि दो में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लाई गई थी जी जिसमें केंद्र सरकार कुछ शेयर देती थी कुछ कंज्यूमर्स देते थे जी जो एस सी सी डेटा था जी उसको आधार मान के जो है कनेक्शन दिए गए कुछ कैटेगरीज उसमें शामिल की गई थी उज्ज्वला योजना में जी। तो जो उसमें रह गए थे तो उनको फिर कवर करने के लिए स्टेट ने जो स्कीम लॉन्च की वो गृहिणी सुविधा लाई गई तो गृहिणी सुविधा में पहला तो ये रखा गया जब इनिशियली कंसीव की गई थी कि उसमें सिर्फ कुछ एक कैटेगरीज बाहर रखी गई थी जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या पेंशनर थे रेगुलर एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्टर और पेंशनर थे रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो थे इनकम टैक्स पेयर थे और ऐसे परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन था उनको नहीं मिलना था बाकी सबको इसमें लाया गया था जी। तो इनिशियली कुछ कैटेगरीज बाहर रखी गई लेकिन जब देखा गया कि अब बहुत सारे लोग जो हैं कवर भी हो चुके हैं थोड़े से लोग जो रहते हैं तो अल्टीमेटली सरकार ने ये बोला कि कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा जाएगा जी। सभी हिमाचली परिवार एक ही कंडीशन थी हिमाचली परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है सबको गैस कनेक्शन दिए जाएंगे तो योजना का बहुत ज़्यादा है सभी जो इसमें जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है वो सारे परिवार सम्मिलित हो सकते हैं और बहुत सिंपल सा प्रोसेस था अप्लाई करने का भी और टारगेट कोई यह सच रखा नहीं गया था क्योंकि सभी को कवर करना था एक कंटिन्यूस प्रोसेस था तो लकीली हम जो है सताइस दिसंबर को एक अनाउंसमेंट हुई थी दो साल पहले जी। हम जो है धुआं मुक्त प्रदेश बन चुके दिसंबर थे 2019 में जी। 19 में 19 जी। जी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि पूरे देश भर में हम प्रथम राज्य बने थे जहां पर चूल्हे से उठने वाले धुएं से जो है मुक्ति दिलाएगी यानी कि सभी परिवारों के पास गैस कनेक्शन थे अब वहां तक तो ठीक था कि सबको मिल चुके हैं लेकिन परिवार हमेशा जो है नए बनते रहते हैं मैरिजेज होती रहती है डाइवर्जन होता रहता है तो फिर गवर्नमेंट ने स्कीम को थोड़ा और रिलैक्स किया ये किया गया कि जितने भी परिवार नए आएंगे उन परिवारों के भी जो है गैस कनेक्शन इसमें दिए जाएंगे, जाएंगे। बशर्ते उनके पास गैस कनेक्शन ना, ना हो तो काफी महत्वाकांक्षी योजना है और अभी भी चल रही है बिल्कुल मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना की अगर बात करें और साथ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया कि जब ये केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2016 में जब ये योजना लाई गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो उसमें क्या ऐसी पात्रता रखी गई थी जिसमें हमारे प्रदेश के जो कुछ एक परिवार या कुछ उसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे एक्चुअली वो बेसिकली गरीब परिवारों के लिए टारगेट की गई थी उसमें एस सी एस टी का डेटा लिया गया था और गरीब परिवार आवास योजना में कोई फॉरेस्ट डलर है कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई थी कि उन्हीं कैटेगरीज को मिलनी थी जी, लेकिन ए पी एल में भी काफी परिवार ऐसे थे जिनके पास नहीं था तो वो एक सेगमेंट बाहर रह रहा था जी, और एसी सी सी डेटा में जो लोग नहीं थे वो भी बाहर रह रहे थे तो फिर ये कर दिया गया कि इसकी यूनिवर्सलाइजेशन कर दी गई कि सबको कनेक्शन मिले हर परिवार को इसका लाभ मिले इसलिए जो है ये स्कीम फिर

इनिशियली वो चार पांच कैटेगरीज इनकम टैक्स पेयर रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाई पेंशनर्स इनको जो है बाहर रखा गया था लेकिन बाद में यूनिवर्सलाइजेशन कर गई सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा गया कि हिमाचली परिवार जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है जी इर रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम क्राइटेरिया कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखा अगर मेरे पास भी गैस कनेक्शन नहीं है एज ऑफ नाउ मेरे परिवार में किसी के पास गैस कनेक्शन नहीं है तो मैं भी पात्र हूँ सिर्फ एक ही कंडीशन है हिमाचली परिवार जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं है तो बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की इसमें ज़रूरत नहीं है सिंपल सा एक फॉर्म भरना होता है एड्रेस प्रूफ देना होता है प्लस आधार कार्ड लोगों के हम लेते हैं ताकि डीडुप्लीकेशन हो सके क्योंकि गैस जो कनेक्शन है वो अब आधार से लिंक है डुप्लीकेसी ना हो मतलब एक ही परिवार में जिनके पास गैस कनेक्शन है दोबारा वो ना ले पाए उसके लिए जो है इस प्रोसेस को डीडुप्लीकेट किया जाता है आधार के बेस पर आधार के अगेंस्ट आपका गैस कनेक्शन एंटर है जैसे ही आप आधार डालोगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली दिखा देगा कि आपके पास ऑलरेडी गैस कनेक्शन है।, है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है जी। तो ज्यादा कोई क्राइटेरिया नहीं है सिर्फ यही है हिमाचली परिवार होना चाहिए और गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए ठाकुर साहब सरकार के द्वारा कोई भी योजना चलाई जा रही हो लेकिन वो सफलता या उसके सकारात्मक परिणाम तभी आते हैं जब वो पात्र व्यक्तियों तक वो पहुँच पाती है लेकिन वैसे तो अब परिस्थितियां पहले की अपेक्षा बहुत सहज और सरल हो गई है बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है लेकिन अभी भी हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत से सुदूर इलाके हैं बहुत से ऐसे गांव हैं जहां तक पहुंच नहीं पा पाती है तो इस तरह की योजनाओं को वहाँ पात्र लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या कोई विभाग के द्वारा कोई विशेष मुहिम चलाई जाती है ताकि पात्र व्यक्तियों तक बताएं कि सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है आप इसके लिए पात्र व्यक्ति हैं आप इसका लाभ उठा सकते हैं डेफिनेटली एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है खासकर हिमाचल के कंटेक्ट में क्योंकि काफी रिमोट एरियाज भी हैं तो इसमें एक तो प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो एक जरिया हमारा हमेशा रहा ही रहा है जी। दूसरा जहाँ भी कहीं फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर भी हमने इसकी प्रमोशन की थी स्कीम की जी। लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें एडवांटेज रही वो ये रही कि हमने ये स्कीम इम्प्लीमेंट करवाई थी थ्रू पंचायत जी। क्योंकि पंचायतें सब जगह एक्टिवेट है चाहे रिमोट एरिया चाहे जो भी है जी। और दूसरा जो हमारे डिपार्टमेंट के पास मैं कहूंगा एक एडवांटेज है कि हमारे फेयर प्राइस जिनको डिपो कहा, दिपु जाता, दिपु कहा है। जाता है जी। वो एक मतलब वहां पर हर आदमी की अप्रोच है जी। जी। हमारे पास लगभग साढ़े उन्नीस लाख परिवार आ, 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 स्टेट में है जो डायरेक्टली लिंक्ड है हमारी दुकानों से तो डेफिनेटली ये दुकानों का हमें बहुत सहारा मिला हमने लोगों को दुकानों के जरिए अवेयर किया इवन अनऑफिशियली हमारी तरफ से ये भी था कि भाई फेयर प्राइस शॉप होल्डर जी, ऐसे लोगों क्योंकि उनका डायरेक्ट लिंक रहता है वो जानते भी हैं कि इस परिवार के पास गैस कनेक्शन नहीं है तो उनको ये हिदायत थी कि जब भी लोग आपके पास आए आप एक तो उन्हें बताएं कि ऐसी ऐसी योजना आई हुई है और दूसरा खासकर जो आपके कोई ऐसे परिवार जिनको आप जानते हैं कि गैस कनेक्शन नहीं है या गरीब हैं किसी कारण से गैस कनेक्शन नहीं ले पाए तो उनको ये इंस्ट्रक्शंस थी कि वो जो है उनको बताएं इस योजना के बारे में और इवन हमने कई जगह फॉर्म्स भी उनके थ्रू जो एप्लीकेशन फॉर्म था सिंपल सा फॉर्म है वो भी हमने दुकानों तक पहुंचा दिया था ताकि वो वहीं पर उनसे एप्लीकेशन भी भरवा सके तो योजना सक्सेसफुल रही इस बात का मतलब आइडिया इस बात से लगा सकते हैं कि दो साल के ही गैप में हमने टारगेट पूरा अचीव कर लिया था सेचुरेशन कर दी थी और अभी तक हमारी 2018 में योजना शुरू हुई थी तो अभी तक हम इसमें तीन लाख पैंतीस हजार कनेक्शन रिलीज कर चुके हैं जी। तो आप इसकी मतलब लोकप्रियता के अंदाजा लगा सकते हैं कि थोड़े से टहन में इतने प्रदेश को जहां दूरगामी क्षेत्र भी हैं उनको कवर करना और उन तक फायदा पहुंचाना मतलब ये डेफिनेटली पंचायत के सहयोग से और हमारे डिपो होल्डरों का भी इसमें काफी सहयोग रहा और प्रिंट और एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो डेफिनेटली रहा हमने टाइम टू टाइम जो इसकी एडवर्टाइजमेंट की जो लोकल मेले हैं वहां पर स्टॉल भी लगाए इवन बड़े मेले में भी लगाए शिवरात्रि में मैं गया था तो हमने वहाँ काफी सारी इसकी जो है वो करवाई थी एडवर्टाइजमेंट करवाई थी बट मतलब अल्टीमेटली हम जो है अचीव करने में सफल रहे इस योजना को क्रियान्वित जो लोग इस योजना से जुड़ चुके हैं या जो रह चुके हैं वो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं इसके लिए जो आवेदन करने का जो आ, क्या प्रक्रिया रही है क्या केवल ऑनलाइन माध्यम से ही इसके आवेदन स्वीकार किए गए हैं या किसी और माध्यम से भी इसलिए देखिए हमारे डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है फूड सेविल सप्लाई की जी एक तो वहां पर आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा वहाँ डाउनलोडेबल फॉर्म्स हैं उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो गृहिणी सुविधा योजना का फॉर्म आ जाएगा जी अब वहां से लेकर या फिर पंचायत में भी ये फॉर्म अवेलेबल है या हमारे इंस्पेक्टर्स जो ब्लॉक लेवल में उनके पास भी ये फॉर्म्स अवेलेबल है जी तो उसमें आपको कुछ बेसिक डिटेल भर के देनी होती है और फैमिली मेम्बर्स की डिटेल विद आधार नंबर भर के देनी होती है और प्रोसेस को सिंपलीफाई करने के लिए इसकी सक्सेस का एक ये भी रीजन रहा हमने जो मीडिया रखा वो पंचायत रखा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है पंचायत तक सबकी अप्रोच होती है तो पंचायत में जाके अपना फॉर्म भर के सबमिट कर दें उससे क्या होता है एक तो पंचायत में ये होता है कि कहीं कोई फेक तो नहीं कर रहा है जी जी क्योंकि पंचायत में लगभग आइडिया रहता है कि इसके पास है इसके पास नहीं है गैस कनेक्शन तो एक तो पहला चैनल वहीं पर स्क्रूटनी हो जाती है कि कहीं कोई गलत एप्लीकेशन तो नहीं दे रहा है जी। फिर पंचायत जो है जब एक बार उनको फाइनलाइज कर देती है वो लिस्ट हमारे डी या इंस्पेक्टर्स को देती है फूड सप्लाईज को और वो फर्दर इनको फिर गैस एजेंसीज को आगे ट्रांसफर कर देते हैं तो मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली एक स्कीम है आपको कहीं ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है पंचायत थोड़ा सा एरिया होता है पंचायत तक हर आदमी की अप्रोच रहती है उसको सिर्फ पंचायत में जाके ये फॉर्म सबमिट करना है वहां के आगे की कार्रवाई विभाग खुद करेगा जी। और अल्टीमेटली जब गैस एजेंसी से डी डुप्लीकेट होके आ जाता है तो फिर हम जो है एप्लीकेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जी आपका कनेक्शन तैयार है और फिर जो है कनेक्शन उनको रिलीज कर दिया जाता है तो मतलब कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने के लिए रखा गया कि चैनल को कम से कम रखा जाए कि भाई उसको कंज्यूमर को दौड़ना पड़ेगी वो इंस्पेक्टर के पास जाए डी के पास जाए या गैस एजेंसी में जाए

किन दस्तावेजों का होना बहुत अनिवार्य था ताकि ये सहजता से उसे उपलब्ध हो सके देखिए एक तो वही हमारा ई के e फॉर्म जो था जो हमारी वेबसाइट में भी था पंचायत में भी हमने उपलब्ध करवाए थे इवन कुछ एप में भी दिए थे या हमारे इंस्पेक्टर के पास अवेलेबल है एक तो वो फॉर्म देना होता था जी इसके साथ जो है उसको परिवार की कॉपी या राशन कार्ड की कॉपी वो लगानी होती थी और जितने मेंबर्स उसमें राशन कार्ड में उनके आधार नंबर बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं थी सिर्फ तीन चीज़ें एड्रेस प्रूफ आपको देना ही होता है ताकि किस एड्रेस पर आपका कनेक्शन रिलीज हो जाए मोस्टली तो आधार में कवर हो जाता था लेकिन कई जगह ऐसे भी केसेस थे जहां आधार में एड्रेस कुछ और था और आप रह कहीं और रहे थे तो उस केस में उनको जो है फिर एक रेजिडेंस प्रूफ भी देना होता था तो यही चार पाँच डॉक्यूमेंट रिक्वायर थे लोगों के बीच में ऐसी भी भ्रामकता रही कि अगर जो गृहणी सुविधा योजना के तहत जो गैस कनेक्शन उन्हें दिए जाते रहे हालांकि इसका काफी प्रचार प्रसार भी हुआ कि ये कनेक्शन पूरी तरह से निःशुल्क है लेकिन लोगों के बीच में फिर भी ऐसी भ्रामकता रही कि क्या उन्हें कुछ उसकी एवज में भुगतान करना होता है नहीं देखिए ये एक ऐसी योजना है जिसमें कंज्यूमर को कुछ भी भुगतान नहीं करना होता है जी खाली एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब आपको कनेक्शन रिलीज होने तक कोई पैसा नहीं देना है कहीं भी नहीं देना है आपके माध्यम से मैं आग्रह भी करना चाहूँगा कि अगर कहीं क्योंकि बीच में होते हैं एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं अगर ऐसा कोई केस आपके ध्यान में आए तो आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं कंसर्न इंस्पेक्टर को कर सकते हैं अदरवाइज़ हमारा टोल फ्री नंबर है वन नाइन सिक्स सेवन आप वहाँ पर भी अपनी अगर कुछ इस तरह का कहीं केसेस होते हैं तो आप हमें इंटीमेट कर सकते हैं जी ये तो आई अभी योजना के बारे में योजना के तहत जब आवेदन किया जाता है और आवेदन पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो अनुमोदित हो जाता है उस उपभोक्ता के पक्ष में स्वीकार कर लिया जाता है तो उस उपभोक्ता को विभाग के द्वारा क्या इस गैस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें दी जाती है उपलब्ध करवाई जाती हैं ये कंप्लीट गैस कनेक्शन में पहले तो आपका स्टोव होता है गैस स्टोव होता है रेगुलेटर होता है और आपके सिलेंडर होता है एक रिफिल भी होता है सिलेंडर का एक ब्लू बुक होती है तो ये चार पांच चीज़ें रहती है एक सुरक्षा पाइप होती है मतलब एक कंप्लीट पैकेज जो इनिशियली जब हमने स्कीम शुरू की थी तो पैंतीस सौ के आसपास कॉस्ट करता था वो कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा था जी. और अभी भी हम जो है एक्चुअल अमाउंट जितना बनेगा रीफिल बढ़ा घटा किसी कंपोनेंट के रेट बढ़ गए घट गए जितना एक्चुअल कॉस्ट उस डेट में होगा जिस दिन कनेक्शन रिलीज होगा वो सरकार वहन कर रही है कंज्यूमर को उसमें देने की कुछ भी जरूरत नहीं है जी अगर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें क्या उसमें भी इसी तरह के जो उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है या उसके कुछ भिन्नता रहती है इसमें पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की योजना थी जी। तो उसमें यह था कि केंद्र सरकार जो वहन करती थी वो सोलह सौ करती थी ओवर एंड अब कंज्यूमर उसमें बहन करता था जी तो पहला डिफरेंस तो ये था कि भाई केंद्र सरकार की थी और ये राज्य सरकार की है उसमें 1600 सौ देते थे यहाँ एंटायर अमाउंट जितना भी पैंतीस के आसपास कनेक्शन उस टाइम बनता था अब थोड़ा रेट ज़्यादा या कम होते रहते हैं वो सारा अमाउंट हम देते हैं और उज्ज्वला योजना जैसे पहले हमने बताया कुछ लिमिटेड कैटेगरीज के लिए थी एपीएल उसमें कवर नहीं था सी एस टी वगैरह कवर्ड थे फॉरेस्ट ड्वेलर वगैरह तो जो छूट गए थे उनको हमारी योजना पूरा कवर करती है तो एक तरह से इसके जो है सप्लीमेंट्री है एक दूसरे की सप्लीमेंट्री है जो लोग रह गए थे उनको जो है हमने यहाँ कवर कर दिया था जी अगर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें कि वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लगी और प्रदेश में मई 2018 से जो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना क्रियान्वित हुई है अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो कितने परिवार जो है इस या कितने लोग उपभोक्ता जो है इसके तहत जो है रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं कि इन लोगों को इस योजना के तहत लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक लाख अट्ठतीस हज़ार के करीब करीब परिवार हैं जो फ़ायदा ले चुके हैं जी और उज्ज्वला योजना में तीन लाख पैंतीस हज़ार परिवार जो है मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में तीन पैंतीस और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में एक लाख अठतीस हज़ार परिवार जो है लाभ ले चुके हैं जी इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन ये करना चाहूँगा कि एक बार फ्री रिफिल तो है ही है जी उसके अलावा जो स्टार्टिंग में एक रिफिल आपको मिल गया उसके अलावा दो और एक्स्ट्रा रिफिल भी फ्री गवर्नमेंट दे रही है इसमें जी। तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने लगभग दो लाख सत्तर हजार लोगों ने सेकंड रीफिल भी अवेल कर लिया है और एटी नाइन थाउजेंड लोगों ने थर्ड रीफिल भी फ्री वाला अवेल कर लिया है जी। उसमें मेरा एक आग्रह रहेगा आपके माध्यम से मैं सभी जिन लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं जी। इन योजनाओं में उनसे एक आग्रह रहेगा कि अगर आपने अभी तक जो एक्स्ट्रा फ्री रिफिल्स आपको मिलने हैं दो अगर अभी तक नहीं अवेल किए हुए हैं तो आप काइंडली अपनी गैस एजेंसी जाएं और जब भी आप रिफिल लें अपने उनको डॉक्यूमेंट दिखाएँ ग्रीनी सुविधा योजना के तहत जो आपको ब्लू बुक दी गई है उसको दिखाएँ और आप जो है फ्री रिफिल ज़रूर ले लें जी क्योंकि ये एक एड ऑन फैसिलिटी सरकार द्वारा दी गई है कि आपको दो अतिरिक्त रिफिल भी जो है दिए जाने हैं तो आग्रह यही रहेगा जिसने अभी तक नहीं लिए हैं वो काइंडली ये अवेल कर लें जहाँ तक आपने रिफ़िल लेने की बात कही है उपभोक्ताओं के द्वारा तो क्या इसके लिए भी कोई समय अवधि निर्धारित की गई है कि इतनी समय अवधि के भीतर आपको ये रिफ़िल जो है आप आप इनका उपयोग कर सकते हैं या उस समय अवधि के बाद जो है आप उस रिफ़िल के लिए पात्र नहीं होंगे नहीं अभी इस वर्ष तो ये योजना पूरी जारी रहेगी आगे के लिए क्या योजना आएगी वो तो अभी मतलब कमेंट कर पाना उस पर शायद पॉसिबल नहीं होगा लेकिन इस साल के लिए इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये अभी Continuous एक बीस वर्ष के भीतर तीन रिफिल आप जी कुल टोटल जो है इसमें तीन रिफिल अगर आपने पहले भी ले लिया है 2019 में भी ले लिया 20 में भी ले लिया है तो इस साल के जो है एंड तक अभी तो फिलहाल ये है कि आप दो रिफिल और अगर योजना एक्सटेंड होती है तो फिर तब की तब जी तो मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में हमने अभी इतना जिक्र किया कहती है इस योजना के क्रियान्वित होने के बाद से बहुत से सकारात्मक परिणाम साथ में देखने को मिले एक और महिला सशक्त हुई है उसके जीवन में जीवन स्तर में बदलाव आया पर्यावरण संरक्षण एक बहुत बड़े इस और भी एक बड़ी पहल देखने में मिली और जहाँ तक वन कटाव की बात है उसमें भी भार, भारी गिरावट दर्ज की गई है क्या इतफाक इस योजना का मूल उद्देश्य यही था एक तो महिला सशक्तिकरण था दूसरा धुआं मुक्त ईंधन देना और तीसरा फॉरेस्ट कंजर्वेशन जी डेफिनेटली क्योंकि विमेन का टाइम बचा है खाना बनाने में जो टाइम पहले लगता था उसमें डेफिनेटली कटौती हुई है तो वो अब इस टाइम को दूसरे उपयोगी कार्यों में लगा सकती है अभी जब हमने इंटरेक्शन भी कुछ बेनिफिशरीज से तो उनका भी ये मत था कि डेफिनेटली जो है टाइम की सेविंग हुई है आ, सिर्फ टाइम की सेविंग नहीं हुई है पैसा भी बचा है जो चार हज़ार या पैंतीस सौ रुपये आपका कनेक्शन पर लगना था वो भी बचत हुई है और लकड़ी के कटाव में भी कमी आई हुई है क्योंकि जो लकड़ी पर पहले खाना बनता था वो अब शिफ्ट हो रहे हैं आपके एल पर तो डेफिनेटली ये तीनों जो टारगेट्स थे हमारे अचीव करने में हम कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं उनको जी आ, अक्सर लोगों में ये भी भ्रामकता रहती है कि इस तरह की जो योजनाएं चलाई जाती है जिस तरह के गैस कनेक्शन लोगों के द्वारा कमर्शियल लिए जाते हैं उनमें उनमें जो रिफिल दिए जाते हैं या जो सिलेंडर दिए जाते हैं उनके भार में और इसके भार में भी कोई फर्क रहता है तो क्या आप इस तरह की भ्रामकता पर क्या आप स्पष्टीकरण देना चाहते नहीं देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जो सिलेंडर दिया जाता है वो Usually एक ही तरह के होते हैं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि उज्ज्वला के लिए आपको अलग आएगा गृहिणी के लिए अलग आएगा या जो आपने अपने गैस कनेक्शन ले रखे हैं उनके लिए अलग आएगा क्योंकि सिलेंडर तो एक ही जगह से आ रहे हैं और उनकी कोई ऐसी अलग से हम क्लासिफिकेशन नहीं करके भेज रहे हैं कि भाई गृहिणी वालों को यही देने हैं रिफिल तो मैं अगर ऐसा कुछ है तो पूरी तरह जो है गलत है अगर कुछ ऐसा भ्रामक प्रचार है

कितना भार रहता है ये तो उपभोक्ता स्वयं भी चेक कर सकते हैं कि एक सामान्य क्या रहता है बिल्कुल ये उपभोक्ता का अधिकार भी है कि जब वो लें उस सिलेंडर के ऊपर लिख रखा होता है कि भरे हुए सिलेंडर का वेट इतना है खाली सिलेंडर का इतना है वो वेरी करता है कुछ सिलेंडर का वेट ऊपर नीचे चौदह किलोग्राम के आते हैं डोमेस्टिक सिलेंडर तो वो जो है उसको वेमेंट मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वेमेंट करके ही लें और ये जो आपकी गैस एजेंसीज है उनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो वेइंग स्केल रखें और कंज्यूमर को वे करके ही दें बट यूजली हमने भी ये रियलाइज किया है कि ना तो कंज्यूमर तोल के लेता है ना गैस एजेंसी वाले बॉर्डर करते हैं तो अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो डेफिनेटली उनको जो है तोल के देना पड़ेगा और ऐसे इंस्टेंसिस भी कुछ लोग हमें भी कंप्लेंट करी हुई है लोगों ने कि जी हमें तोल के नहीं दिए जाते हैं तो हमने ये इंश्योर करवाया है कि वो जो है वेंग स्केल रखे और जब भी कंज्यूमर बोले तो उनको तोल के दें जी अब विभाग के द्वारा क्या इस तरह के कोई औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं जा एजेंसियों में ताकि इस तरह के कोई मामला कहीं सामने आते हैं तो ताकि उस पर डेफिनेटली तो तो रखा जा सके विभाग का एक अलग से बिंग है वेट्स एंड मेजर्स करके एक बिंग है विभाग का वो इन चीजों को देखता है और औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं ऐसे बहुत ही कम केसेस होते हैं क्योंकि हमने मैं भी एक दो गोडाउन में गया पर्सनली वहां पर कुछ डिफेक्टिव सिलेंडर अलग रखे हुए थे जब उनका वेमेंट किया गया जब हमने पूछा कि ये अलग क्यों और मैंने वेमेंट करके देखा तो उसमें शायद लीकेज होगी या कुछ होगी वेट उसका कम था जी। तो वैसे तो एजेंसी वाले भी ये कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है शिकायत होगी तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे जी। तो एक तो उनके एंड पर चेक हो जाता है वैसे बट फिर भी मतलब इस प्रोबेबिलिटी से मना नहीं किया जा सकता कि बिल्कुल भी अंडरवेट नहीं जाते होंगे तो उसमें फिर ग्राहक का जागरूक होना बड़ा जरूरी है कि वो तोल के लिए ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स ना आए सामने जी मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के बारे में आपने बताया हमारे आप दर्शकों के तक अगर आप कोई संदेश देना चाहेंगे संदेश यही है कि एक तो बहुत अच्छी योजना है महत्वाकांक्षी योजना है और आपको कुछ भी नहीं देना है कोई फीस वगैरह या कोई शुल्क आपको नहीं देना है जी. और खासकर क्योंकि कनेक्शन में तो अब हम ऑलमोस्ट सेचूरेट हो ही चुके हैं हमारा जो थोड़ा सा रह रहा है ये एक्स्ट्रा रिफिल वाला डिस्पाइट ऑफ क्योंकि फ्री है जी तो मेरा लोगों से यही आह्वान रहेगा यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एटलीस्ट फ्री वाले ये दो सिलेंडर जो है आप जल्दी से जल्दी अवेल कर ले जी. ताकि फायदा आप लोगों को मिले और सरकार का जो एम है जी. कि भाई सब लोगों तक जो है गैस पहुंचे आसानी से पहुंचे वो भी जो है उसमें सरकार भी कामयाब हो सके जी बिल्कुल आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हुए और बहुत उम्दा जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की और दर्शकों तक भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आपकी खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले से संबंधित कोई भी समस्या है तो इन्होंने एक नंबर जो है आपके साथ साझा किया है एक नौ छः सात ये नंबर है आप अपने एड्रेसल है अपनी जो समस्या है आप विभाग तक पहुंचा सकते हैं और उसका समाधान आप तक जरूर मिलेगा इसमें आप देख रहे हैं डीडी शिमला पर जनवाणी कार्यक्रम और आज का हमारा जो विषय रहा था वो रहा था मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना इसी के साथ अब वक्त हो चला है आप लोगों से इजाज़त लेने का जनवाणी कार्यक्रम के किसी और अंक में किसी और विषय को लेकर फिर हाज़िर होंगे तब तक दीजिए इजाज़त नमस्कार